एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले बयान पर घमासान। बीजेपी ने कहा, धर्म का मतलब नहीं समझते मौर्य, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की मुरीद हुई। डिंपल यादव कहा, न्योते का इंतजार। धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में बीजेपी। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक बनाया जाएगा। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के निर्देश। कोलकाता दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर राज्य के नेताओं के साथ मंथन। बीजेपी का बंगाल में 35 सीटें जीतने का टारगेट। चौबीस का चुनाव बिना चेहरे के लड़ेगा इंडे गठबंधन। शरद पवार बोले, पीएम चेहरे के ऐलान की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। मंच से नशे के खिलाफ पीएम ने की बड़ी अपील। वीर बाल दिवस पर सभी धर्मगुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा, देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, नए साल में लागू होगा यूसीसी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। संदिग्धों से पूछताछ जारी, कार आतंकवादियों की तलाश में। घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के पुंछ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार मुहैया करा रहा है चीन। पीएफएफ और टीआरएफ के आतंकी कर रहे हैं चीन के हथियारों का इस्तेमाल। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। में रीमा प्रसाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। सुरक्षा बल के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के बीच आतंकवादियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है।